रिसेंटली एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो आजकल चल रही है। एक बेसिकली MOL ग्रुप है जो कि है उसके ना पाकिस्तान के अंदर कुछ सॉर्ट ऑफ प्राइवेट है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है एज़ पर माई नॉलेज, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। बट हुआ ये कि जो MOL ग्रुप है इसकी जो बेसिकली KPK के अंदर इनकी कुछ फैसिलिटीज़ थी या सदर जुबान में जो ऑयल वेल्स थे जिससे ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, उसको ट्यूसडे वाले दिन यानी कि आज तारीख है 24th एंड इट इज़ वेडनेसडे यानी कल, ठीक है, कल जो है वो कुछ अटैकर्स ने जो है वो अटैक किया है MOL की फैसिलिटी को जो कि बेसिकली हंगेरियन बेस्ड है, ठीक है। तो उन्होंने टेररिस्ट ने अटैक किया और इवन दे यूज्ड वेटिकन से जो ग्रेनेड लॉन्चर्स होते हैं इनके पास वो भी अवेलेबल थे, ठीक है। तो दे अटैक और जो वेल्स थे उनके नाम थे M10 एंड M8, ठीक है। तो उनकी वजह से जो है वो उन पर अटैक किया, जो लोकली वहाँ की पर्सनल सिक्योरिटी थी इनके पास हेड कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके आई थिंक 2 लोगों की डेथ हुई है या एग्जैक्टली आई कुड रिमेम्बर, ठीक है। और कुछ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले भी FC वाले और टाइम पे पहुंचे और उन्होंने फ़ाइट की, तकरीबन 2 से 3 घंटे तक की फ़ाइट चलती रही और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि टेम्प्रेरी शटडाउन किया है, ठीक है। MOL ने अपनी जो फैसिलिटीज़ थी उनके ऑन ग्राउंड जो है वो एक सर्वे किया जाएगा कि कितना डैमेज हुआ है और रिमोट एक्सेस से ही इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी तक ग्राउंड एक्सेस नहीं लिया था। MOL वालों ने जाके भी देखेंगे, उसके बाद जो है वो रिपोर्ट असेस करेंगे, उसके बाद दोबारा प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। बट द पॉइंट इज़ कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं है और जो है ना इसकी जो बेसिकली जिम्मेदारी है वो TTP ने कबूल की है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है। एंड इट्स वेरी बैड, ठीक है। That's all this is, Dr. Mathani. Allah Hafiz.